नमस्कार, देव उम्मीद एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड करंट अपडेट से संबंधित जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो मंथली हमारा वीडियो चलता रहता है उस सीरीज में मेरे पास जो इस बार का वीडियो होना है वो है अगस्त 2024 का वीडियो। और 2024 जो अगस्त का वीडियो है थोड़ा सा लेट हुआ है, और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंप्लीट वीडियो है। कारण एक ये था कि इस बार हमारे आमने सामने बहुत सारे रिजल्ट थे, उत्तराखंड पीसीएस यूके पीएससी प्री और मेंस के रिजल्ट थे और एलटी का रिजल्ट था। इसी को मद्देनजर रखते हुए इससे संबंधित स्ट्रेटजी बनाने में थी कि कैसे इसकी मेंस क्लासेज होंगी, तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब यूके पीएससी की मेंस की क्लासेज तुरंत ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 5-6 सितंबर 2024 से। और इसी सीरीज में लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है अप्रैल में, उससे संबंधित क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो परमानेंट बैचेज यहाँ पर हैं वो चल ही रहे हैं। तो और दूसरी बात कि जो उत्तराखंड पीसीएस मेंस में 200 और 200 यानी 400 मार्क्स का उत्तराखंड हुआ है, उसके लिए स्पेशल क्या पढ़ा जाए, ये बहुत सारे फोन मेरे पास आ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैं हालांकि इसी क्लास में खुद भी ले रहा हूँ और पीसीएस मेंस के लिए। और दूसरा कि मेरी जो ये बुक है विंसर पब्लिकेशन की, ऑल इन वन बीएस रेकुनी नाम से जो चल रही है मार्केट में, और इसी का सेकंड एडिशन हम लोग सितंबर लास्ट वीक में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपके सामने रख देंगे, जिसमें मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, जैसे उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान या जो भी उत्तराखंड के लोगों ने प्रयास किया है, उत्तराखंड सरकार की वर्तमान में जो नई योजनाएं आई हैं वो, और इसके अलावा उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का योगदान, और उत्तराखंड में पंचायती राज, और उत्तराखंड में नए भू कानून, जो जो भी है, मतलब जो मेंस के टॉपिक है, खासकर एज ए निबंध के तौर पर मैं उन्हें वहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगा, और जो जो खामियाँ इस बुक में रह गई हैं पहले एडिशन में उन सब की पूर्ति कर दूंगा। और ये बुक नए एडिशन में आपके सामने होगी। बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आप लोगों का इसका, और ठीक ठाक पहला ही जो हमारा एडिशन था ठीक ठाक पहुँचा हुआ है। लगभग 3000 कॉपीज हम लोग बेच चुके हैं इसकी, मेरे हिसाब से ठीक ठाक है मार्केट में पहली बार जब आई है। तो इसके एडिशन दर एडिशन जब आपके सामने आएंगे तो एक कंप्लीट बुक के रूप में आपके सामने आएगी, और ये होगी उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास और भूगोल। ठीक है, बहुत सारे बुक्स का कॉम्बिनेशन होगा आपके लिए, एक नया अच्छा सा कंप्लीट पैकेज होगा। चलिए शुरुआत करता हूँ इस महीने की वीडियो को फटाफट से आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। आपको पता ही है अब तो मेंस का एग्जाम भी होने जा रहा है, तो उसी संदर्भ में विशेष टॉपिक होते हैं ये, है उत्तराखंड करंट अपडेट्स अगस्त 2024। ये मेरे नंबर्स हैं पर्सनल और संस्थान की देवभूमि आईएएस अकेडमी हल्द्वानी के। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अगस्त 2024 में उत्तराखंड के किन दो बुग्यालों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए गए दो बुग्याल बताने हमें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आज के डेट में। तो ये है दो नाम, सिल्ला पास यानी सिल्ला दर्रा के आसपास का जो क्षेत्र बुग्याल होगा वो, और सिल्ला दर्रा आपको पता है कि ब्यास घाटी और दारमा घाटी के बीच है, पिथौरागढ़ में होगा ये, है ना, पिथौरागढ़ में जौहार क्षेत्र है, आपस में व्यापार करने के लिए कभी इन दो घाटियों को जोड़ा गया था सिल्ला दर्रे से, और आज उसी के आसपास का जो सिल्ला बुग्याल है उसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है पिथौरागढ़। दूसरा है, अच्छा इसका लक्ष्य क्या है, और आपस में आज की डेट में जो पार्वती कुंड है पिथौरागढ़ का, कैलाश पर्वत है, ओम पर्वत और पंचाचुली जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यात्रा हुई है, तो उस वजह से मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत ये क्षेत्र काफी सुर्खियों में चल रहा है ना। मंदिरमाला मिशन करके भी मैंने अपनी नई बुक में एक नया टॉपिक डाला हुआ है, तो उसका कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो वो इन चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण बन चुके हैं, इनको हाईलाइट करना भी है और सिल्ला दर्रे को भी हाईलाइट करना है, यही उद्देश्य इसका रहा होगा। दूसरा है सरूताल, बड़कोट तहसील उत्तरकाशी में सरूताल को, उसके आसपास के क्षेत्र को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब है कहानी ट्रैक ऑफ द ईयर की, क्यों घोषित किया जाता है, कब कब घोषित किए गए, उत्तराखंड के मध्य हिमालयों में स्थित घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहते हैं, ये आपको जनरल प्रश्न पहले से पता है, और बुग्यालों में पशु चराने वालों के उपनाम क्या है, तो पालसी, बकरखाल, पाच्छ, लोड़िया, सब उन्हीं के नाम होते हैं। ठीक है, और बुग्यालों में चरवाहों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, पारंपरिक वस्त्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो डोरवा कहते हैं। अच्छा, उत्तराखंड में बुग्यालों की देवी अथवा बुग्यालों की मदर टेरेसा किसको कहते हैं, तो रूपा देवी। और एक क्वेश्चन जो आज की डेट में फिर से हाईलाइट हुआ है, तो बुग्याल संरक्षण दिवस वैसे 16 अगस्त को मनाया जाता है,
और पर्यावरणविद कल्याण सिंह मैती के द्वारा इसको हाईलाइट किया गया था 16 अगस्त को, लेकिन आज की डेट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कह दिया है, मुख्यमंत्री महोदय जो वर्तमान में उत्तराखंड के हैं, उन्होंने कहा कि अब 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाए। तो ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं अभी जो क्लास ले रहा हूँ 2 सितंबर के बाद ले रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे पता है कि ये 2 सितंबर वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय ने ये कह दिया कि अब बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस साल यानी 2024 से 2 सितंबर को मनाया जाएगा, जबकि हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है 16 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ आपके संज्ञान से मिस न हो जाए। अच्छा, ट्रैक ऑफ द ईयर की जो शुरुआत उत्तराखंड में हो रखी है, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरकाशी के बहुत सारे स्थल, पिथौरागढ़ के, चमोली के सुदूरवर्ती स्थलों को मतलब सुर्खियों में लाने के लिए काम हुआ है। तो 2015 में दयारा बुग्याल उत्तरकाशी को पहली बार ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, और फिर उसके बाद 2016 में चाइसिल बुग्याल को, और 2017 में द्रोणगिरी को, और 2018 में नामिक पिथौरागढ़ को, 2019 में देवग्यारा बुग्याल उत्तरकाशी को, और 2020 में कुशकल्याण उत्तरकाशी, और 2021 में भयोड़ी बुग्याल उत्तरकाशी। देखिए बहुत सारे उत्तरकाशी के स्पॉट हैं, और फिर 2022 में बागची बुग्याल चमोली का, ठीक है, ये सुर्खियों में था, आपको ध्यान होगा। और पिंडारी ग्लेशियर का क्षेत्र है बागेश्वर का, और 2023 का था कड़वासम रूट, पूरी तरह से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर लिए हुए कड़वासम रूट, और 2024 के अभी वर्तमान में जो दो घोषित हुए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा पूरा इतिहास और भूगोल। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, पहला प्रश्न था ये, पूरा डिटेल प्री मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2024 में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है? तो 13 महिलाओं को, उत्तराखंड की 13 महिलाओं को वर्तमान में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है। तो थोड़ा तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत क्या हुआ, कैसा हुआ, कब दिया जाता है? 8 अगस्त को सामान्यतः तीलू रौतेली की जयंती पर दिया जाता है। तीलू रौतेली का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1661 को हुआ था, पौड़ी गढ़वाल के वीरोंखाल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है। और तीलू रौतेली पुरस्कारों की शुरुआत 2009 से हुई है, ठीक है। और तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 2014 से। और तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त जो 13 महिलाएं हैं उन पर एक नजर रख रहे हैं हम, देखते कौन कौन किस किस फील्ड से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में सुर्खियों में है। अल्मोड़ा, सबसे पहले प्रीति गोस्वामी जी, दिव्यांग तैराक खिलाड़ी हैं अल्मोड़ा की। बागेश्वर से नेहा देवली और ताइकांडो खिलाड़ी, ठीक है। चंपावत से सोनिया आर्य, हिंदी साहित्य में योगदान के लिए। चमोली में नर्मदा देवी को, हस्तशिल्प कला में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए। देहरादून से डॉक्टर माथुरी बड़थवाल जी, लोक गायन, पहले पद्मश्री भी मिल चुका है इनको, पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी हैं। नेक्स्ट है हरिद्वार से संगीता राणा, पावर लिफ्टिंग क्षेत्र में योगदान हेतु। नैनीताल से सुधा पाल जी को, भौतिक विज्ञान में अहम योगदान के लिए। पिथौरागढ़ से शकुंतला दलाल, सामाजिक क्षेत्र में योगदान हेतु। रुद्रप्रयाग से विनीता देवी, बहादुरी के लिए इनको मिला है विशेष रूप से। वैसे तीलू रौतेली ने जो बहादुरी का काम किया था, कत्यूरियों से संघर्ष करते हुए लगातार 7 युद्धों में कत्यूरी को मात दे दी थी, है ना। टिहरी गढ़वाल से रीना उन्याल, सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए। और उत्तरकाशी से गीता गहरौला, सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए। उद्धम सिंह नगर मनदीप कौर, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। और पौड़ी से अंकिता ध्यानी, एथलीट, जो कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड से महिला प्रतिनिधित्व कर रही थी, 4 खिलाड़ियों में से एकमात्र महिला अंकिता ध्यानी, ठीक है। ये 13 बड़े नाम थे, क्लियर हो गया होगा आप। आपको एक प्रश्न थोड़ा सा पुराना कि इससे पहले की क्या स्थिति रही, 2023 में 14 महिलाओं को और 2022 में 12 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया था तीलू रौतेली, क्लियर है। तो 2022 में 12, 2023 में 14, 2024 में 13, ठीक है। वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक, 13। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त 2024 को उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है, यानी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? तो 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मनीषा बहुगुणा जी, पौड़ी गढ़वाल में की रहने वाली। ममता बोरा, पिथौरागढ़ की। और तबस्सुम इमरान, विकास नगर देहरादून, पंचायत क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। और मीनू छेत्री, देहरादून। ये वो 4 बड़े नाम हैं, महिलाएं हैं जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दीदी दर्शन योजना। तो दीदी दर्शन योजना का संबंध किससे है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है 2023 से लेकर 30 यानी पर्यटन वर्ष पूरा होगा ये, और यहाँ पर जो योजनाएं चल रही,
वो काफ़ी सुर्खियों में हाईलाइट है। तो इसी संदर्भ, इसी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत सारी योजनाएं जो चल रही, जो दीदी दर्शन योजना भी उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फिर से क्वेश्चन है यहाँ पर 14 अगस्त से, 14 अगस्त 2024 को उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किसके साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मसौदा तैयार किया गया है? तो ये है आंसर, ब्रिटिश उच्चायोग के साथ मिलकर तथा च्यूनिंग स्कॉलरशिप और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड, इन सब के मध्य एक MOU हुआ है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए काम किया गया है। बस ज़्यादा नहीं, आगे बढ़ जाता हूँ। उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो हल्द्वानी के गोलापार में खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, पहले से ही सुर्खियों में चल रहा था मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया उत्तराखंड में? तो ये है 60 पुलिसकर्मियों को, क्योंकि हमें प्री और मेंस दोनों के हिसाब से कवर करना है, तो 60 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के अनुसार देश के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कुमाऊं विश्वविद्यालय को फार्मेसी कैटेगरी में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय को स्थान नहीं मिला है, कुमाऊं विश्वविद्यालय को फार्मेसी कैटेगरी में स्थान मिला हुआ है, ठीक है, 62वां स्थान। थोड़ा सा डिटेल करेंगे इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की लिस्ट है और भारत और उत्तराखंड के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर नजर मारेंगे तो इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। उसमें है टॉप 100 में, पूरे भारत के टॉप 100 में गोविंद वल्लभ पंत का स्थान है 28वां, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय। प्रबंधन श्रेणी की बात की जाए टॉप 100 में पूरे भारत में, तो काशीपुर IIM का स्थान है 23वां, ठीक है, क्लियर। देश के टॉप 10 संस्थानों में ओवरऑल रैंकिंग में IIT रुड़की का स्थान, ठीक है, इंपोर्टेंट होगा। देश के टॉप 10 संस्थानों में ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो IIT रुड़की का स्थान है 8वां, सारे क्लियर है ना, 8वां, 23वां और 88वां। अच्छा, एक बार देश के टॉप संस्थान और उत्तराखंड के टॉप संस्थान पर नजर मार लेते हैं। सबसे पहले IIT मद्रास टॉप में चल रहा है, IIT बंगलुरु, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, ये हैं चार टॉप देश के। और उत्तराखंड की बात की जाए तो 5 टॉप जो है जिस फील्ड में, तो IIT रुड़की को 8वां स्थान मिला हुआ है ओवरऑल, और UPES देहरादून को 59वां स्थान, एम्स ऋषिकेश 74वां स्थान, ग्राफिकेरा देहरादून 79 और जीवी पंत विश्वविद्यालय 88, ठीक है। तो पूरी लिस्ट पूरी क्लियर कर दी मैंने सब, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट उत्तराखंड की फिर से क्वेश्चन है, किस महिला ANM को सर्वश्रेष्ठ ANM चुना गया है पूरे भारत में? तो इनका आंसर है पूजा परमार राणा, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव उत्तरकाशी के हैं पूजा परमार और ANM है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ ANM का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं का ऑडिट करने के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। ये संस्था जो ये करती है वह सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण, तो सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से समाज कल्याण की योजनाओं का ऑडिट करने के मामले में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना 2024, यानी पर्यटन अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है उत्तराखंड के लिए, तो उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना 2024 कब शुरू की गई है? तो इसका आंसर है 13 अगस्त 2024 को। क्या उद्देश्य है? प्री मेंस के दोनों के टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना और पर्यटन नीति 2023 से 2030 के प्रावधानों को पूरा करना, जो पर्यटन नीति 2023 और 30 के मध्य है उसके सभी प्रावधानों को पूरा करना और पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना, पर्यटन को उसकी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, है ना। पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आपको पता है, और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि पर्यटन का उत्तराखंड की GDP में योगदान बढ़ता ही रहे और रोजगार बढ़े, इससे तो कई नई योजनाएं चला रखें। अच्छा, मैदानी इसमें क्या है प्रावधान, खासकर मैदानी क्षेत्रों में 1 करोड़ में लगभग 35 लाख सब्सिडी, यानी मैदानी क्षेत्र में आप पर्यटन के क्षेत्र में कोई निवेश कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए में 35 लाख की सब्सिडी मिलेगी, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 1 करोड़ में 33 लाख सब्सिडी और 1 से 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले राज्य के निवासियों हेतु 25% तक की सब्सिडी का प्रावधान है, मतलब एक बहुत बड़ी सब्सिडी यहाँ पर मिल रही है। तो ये है उत्तराखंड की एक नई योजना
पर्यटन उद्यमी योजना 2024, ठीक है। ज़्यादा आप एक बार आपको पता चल गया टॉपिक चल क्या रहा है, और इसी को बेस बनाकर आप इसके बारे में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना होना चाहिए अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, सटीक होना चाहिए, कम होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग टू शॉर्ट, शॉर्ट टू लॉन्ग करना आपको खुद आना चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, खासकर मेंस एग्जाम के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अटल निर्मल नगर पुरस्कार में उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला हुआ है? इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, लाल कुआं नैनीताल, ठीक है, तो इसको प्रथम स्थान मिला हुआ है नगर पंचायत, अटल निर्मल नगर पुरस्कार स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण शिव मंदिरों के विस्तृत वर्णन हेतु जिलाधिकारी श्री धीरज गप्रियाल और श्री अशोक पांडे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? वर्तमान में एक पुस्तक सुर्खियों में आई है उत्तराखंड में, द एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, तो किसने लिखी है? श्री धीरज गप्रियाल और हल्द्वानी के निवासी श्री अशोक पांडे द्वारा उत्तराखंड के शिव मंदिरों के विस्तृत वर्णन इसमें है, तो ये नई बुक थी इस वजह से इसको यहाँ पर लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को सफल बनाने हेतु किस योजना की घोषणा की गई है? ये पूरे देश में चल रही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना का संबंध किससे है? AI मिशन को सफल बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GST पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और फर्जी दस्तावेजों को रोकने हेतु उत्तराखंड बायोमेट्रिक आधारित GST प्रमाणीकरण शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? इंपोर्टेंट प्रश्न होगा फिर से। GST पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और फर्जी दस्तावेजों को रोकने हेतु उत्तराखंड बायोमेट्रिक आधारित GST प्रमाणीकरण शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो चौथा राज्य, ठीक है। प्रथम राज्य अगर पूछेगा तो गुजरात होगा, प्रथम राज्य गुजरात है, वैसे पश्चिमी भारत का राज्य हुआ गुजरात, ये उत्तराखंड उत्तर भारत का पहला राज्य भी कह रहे हैं इसको, उत्तर भारत का प्रथम राज्य। GST कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में इसके बहुत सारे प्रॉफिट हैं और अच्छे रिजल्ट हैं, इसी संदर्भ में GST प्रक्रिया को, फर्जी दस्तावेजों को रोकने और बायोमेट्रिक आधारित GST प्रमाणीकरण शुरू करने वाला, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मिला आपको एक फिर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 पारित किया गया है, जिसके तहत दंगाइयों से बाजार कीमत पर नुकसान की भरपाई करना संभव हो सकेगा? पता ही आपको हल्द्वानी में जो कुछ समय पहले घटना हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत समय तक दिक्कतें आई थी राज्य में, और इसी को लेकर संप्रदायवाद का उदय होने लगा, ये सब चीज़ें होने लगी, तो आज सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, है ना, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर फायदा उठाने वाले ऐसे लोगों को सजा देने के लिए और जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनको नियंत्रित करने के लिए लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 पारित किया गया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या उद्देश्य कब, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा SC ST और OBC और दिव्यांग कर्मचारियों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कर्मचारी वित्तवत ऋण योजना, किन के लिए है याद रखिएगा, SC ST OBC और दिव्यांग, वो भी कर्मचारियों के लिए, हाँ, इनको सस्ते ऋण लोन उपलब्ध कराने के लिए। कौन संचालन करेगा इसका? उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त और विकास निगम, ठीक है, उत्तराखंड सरकार की योजना चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, गढ़वाल में जीनस कंपनी और कुमाऊं में अडानी ग्रुप द्वारा राज्य का पहला विद्युत मीटर कहाँ लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा देहरादून में लगाया गया, ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न है, ज्यादा इस पर बहस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त 2024 में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, आपको बताइए, अगर ये मेला राजकीय मेला घोषित हुआ है तो इस पर लिखने आपने आना चाहिए, तो मां नंदा लोकजात मेला चमोली, ठीक है, इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो मैंने उत्तराखंड की बुक में यानी ऑल इन वन में उत्तराखंड के सभी मेलों को एक साथ सेट कर रखा है, और किस मेले को कब राजकीय मेला घोषित किया गया है उसको सब पूरी तरह से उसके डेट के साथ और उसके जिले डिस्ट्रिक्ट के साथ जहां वो है मनाया जाता है वो सब लिख रखा है क्लियर करके, और इस बार और अपडेट के साथ आपके सामने रख रहा हूं, तो वो सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत फायदे
की बुक मानी जाएगी अभी, क्योंकि मैं इसमें उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट ए टू जेड सेट कर रखा है पूरी तरह से। इतिहास पर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो कुछ ऐसे टॉपिक भी जहाँ पर कथन और कारण वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस को दृष्टिगत रखते हुए ये बुक तैयार कर रहा हूँ, तो फायदा होगा आपको काफ़ी इससे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के CBI के DSP जिनका UN शांति मिशन हेतु हाल ही में चयनित किए गए हैं कौन है? मतलब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के निवासी हैं CBI के DSP महोदय, और उनका नाम बताना है। अभी उनका हाल ही में UN शांति मिशन हेतु चयनित हुआ है, तो वो है तेज प्रकाश देवरानी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं तेज प्रकाश देवरानी, जो UN शांति मिशन में उत्तराखंड और भारत का नेतृत्व करने वाले हैं, अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर बादल फटने से उत्तराखंड सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्य हेतु MI और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई थी? तो ये काफ़ी मामला सुर्खियों में था ही, मतलब बहुत सारे लोगों को वहाँ से राहत और बचाव कार्य हेतु चलाया गया। तो ये था रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग जो जगह थी खास सुर्खियों में थी, लिनचोली, भीमबली, रामबाणा, जंगल पट्टी, चीरबासा, कुबेर, मदेरा, मतलब ये वही स्थान है जहां पर 2013 में केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, और रामबाणा और NH 109 जिसे पहले कहते थे वो पूरी तरह तबाह हो गया था, वही क्षेत्र है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार ये कदम उठाया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, तो कौन सा वो जगह थी? तो 31 अगस्त 2024 को इन स्थानों पर ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान योजना शुरू करने की घोषणा की गई? परिवार पहचान योजना, जैसे आधार कार्ड के बेस पर उत्तराखंड सरकार ने एक और योजना शुरू की, परिवार पहचान योजना, तो इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आएगा, तो क्या है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये बड़ा सा टॉपिक है। गैरसैंण विधानसभा के मानसून सत्र 2024 में श्री वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा कितना अनुपूरक बजट पेश किया गया है? इसको बिल्कुल आंकड़े को याद रखना पड़ेगा, तो 5013.05 करोड़ अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ठीक है, बजट का एक वीडियो बना रखा मैंने कंप्लीट, उसको कवर करने के बाद उसके नीचे एक और पॉइंट आपने डाला, अनुपूरक बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा CM उड़न खटोला योजना की शुरुआत किन दो शहरों की से की गई है? मतलब उत्तराखंड से इन दो शहरों के लिए CM उड़न खटोला योजना शुरू हुई है, तो यह है बनारस उत्तर प्रदेश का और पंजाब का अमृतसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक से कितने मेघावियों का चयन भारत दर्शन योजना, शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, के लिए किया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो 10। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस स्थान पर चाय की फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो बेतालघाट, एक नई चाय की फैक्ट्री यहाँ पर डेवलप होने जा रही है, और चाय एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। बेतालघाट के समीप पाडुली, धुना और घुना और डोलकोट क्षेत्र में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय नर्सरियाँ स्थापित की जा चुकी है पहले से, और क्षेत्र में उत्पादित चाय को कोरिया, ईरान और जर्मनी तक निर्यात किया जाने लगा है। तो अच्छा टॉपिक था बेतालघाट, फिर से सुर्खियों मार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अगस्त 2024 में देश भर के 50 चयनित शिक्षकों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उत्तराखंड की किस एकमात्र शिक्षिका को दिया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, ये है कुसुम लता गढ़िया, उच्च प्राथमिक विद्यालय वीना पोखरी चमोली की रहने वाली। ठीक है, तो ये है कुसुम लता गढ़िया, उत्तराखंड की तरफ से एकमात्र शिक्षिका जिन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, यानी 50 राष्ट्रीय शिक्षक सम्मानों में से एक चुना गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1942-43 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय के दौरान बंद कर दिए गए मोटेश्वर महादेव मंदिर को हाल ही में पुनः खोल दिया गया है, यह कहाँ है? तो इसका आंसर होगा काशीपुर उद्धम सिंह नगर। ठीक है, उस समय काफ़ी भगदड़ मच गई थी तो इसको रोक दिया गया था, और इस पर तब तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, मोटेश्वर महादेव, और फिलहाल फिर से सुर्खियों में चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से देश के 12 शहरों में 28,602 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने हेतु घोषित की गई है, औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र औद्योगिक पार्क शामिल किया गया है? ये भारत सरकार की औद्योगिक गलियारा योजना है औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और देश के 12 शहर चयनित हुए हैं, शहरों में
लगभग 28,602 करोड़ रुपए की लागत से 28 अगस्त 2024 को औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ है? तो ये क्षेत्र है खुरपिया किच्छा उद्यमसिंह नगर। ठीक है, खुरपिया गांव काफी सुर्खियों में है पहले से भी। 2500 एकड़ क्षेत्रफल में 5 राजस्व गांव है वहां पर शामिल। केवल खुरपिया नहीं है, खुरपिया, बांदिया, देवरिया और गोरीकला और भूरा गोरी, ये वो जो क्षेत्र है, तो ये इसके जद में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए? तो सुशील शर्मा। ठीक है, ये करंट का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। और 29 अगस्त 2024 को कितने लोगों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 17। शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी और 5 सितंबर यानी कल ये पुरस्कार दिए जाएंगे। आज 4 सितंबर 2024 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस बार मैं 4 दिन लेट हूँ, और ये वीडियो जो है अगस्त का है और अगस्त की कंप्लीट जानकारी आपके सामने रख दी है मैंने। अब जो दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा वो होगा भारत यानी इंडियन करंट अफेयर। इंडियन करंट अफेयर में भी पहले जुलाई अगस्त यानी दोनों महीनों का एक साथ करंट अफेयर आपके सामने रख दूंगा। तो ये था आज का वीडियो, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था ये प्री और मेंस दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट डे को मिलता हूँ फिर से इंडियन करंट अपडेट्स के साथ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।